हाई एवरी वन माई नेम इज़ अक्षत कौशिक एंड आई होप आप लोग में से कुछ लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे बट फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एम्स डेली यू जी एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक थ्री इन नीट दिस ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन एंड आई ऑल्सो गॉट ऑल इंडिया रैंक थर्ड इन एम्स टू थाउजेंड नाइनटीन विच मीन मेरी हंड्रेड परसेंट आई थी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी जिपमल में रैंक ऑल इंडिया फोर्टीथ रही इयर एंड आई वॉज ऑल्सो ए आई आर वन इन के वी पी वाई टू थाउजेंड नाइनटीन ओके

आप एफ़िशेंटली कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो सो so दैट आप जितना ज़्यादा टाइम एक दिन से निकाल के अपनी पढ़ाई में दे सकते हो एंड कम से कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पाओ अपनी तैयारी से ओके सो लेट्स गेट राइट इंड टू इट आई हैव मेड श्योर मैंने आई में अपने कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि मैं जो जो बताना चाहता हूँ सब आपको बता दूँ सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि हम कैसा स्लीप शेड्यूल रखें सो so, uh, बहुत बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि भैया आप रात में पढ़ना प्रेफर करते थे या सुबह पढ़ना प्रेफर करते थे सो so, पर्सनली मैं रात में पढ़ना प्रेफर करता था क्योंकि आई एम पर्सनली अ नाइट आउट बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज इज आई हैव पर्सनली रिसर्च ऑन दिस ऑल्सो कि हम लोग ह्यूमन्स काफ़ी जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं हम में से कुछ लोग रात को लेट जगना पसंद करेंगे जबकि कुछ लोग सुबह जल्दी उठना पसंद करेंगे सो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप खुद रियलाइज़ करो कि आप दिन के किस टाइम पे ज़्यादा फोकस्ड हो अगर आपको लगता है कि आप रात में जग के बेटर और अच्छी पढ़ाई कर सकते हो सो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप रात भर पढ़ो एंड आप थोड़ा लेट तक जगो एंड अगर आपके पेरेंट्स आपको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे सो गो एंड शो दैम दिस वीडियो सो दैट दे एल ऑल्सो सपोर्ट यू एंड आप रात को अपने एफिशियटली पढ़ाई कर सकते हो बिकॉज पर्सनली मुझे रात इसलिए ज़्यादा पसंद थी बिकॉज बहुत पीसफुल होता है एंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं जब बाकी दुनिया सो रही होती है ओके अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करेंगे एफिशिएंसी की कि हम कैसे पढ़ें कि हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाए सो फॉर देट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि हम में से कुछ लोग पूरे दिन में सात से आठ घंटे के लिए नहीं लेते हैं या हम लोग ट्राई करते हैं कि हम एक दिन में मे बी सोलह घंटे या चौदह घंटे ऐसे इतना ज़्यादा टाइम दें पढ़ाई में सो आई वुड से कि हाँ ठीक है ये बहुत अच्छी बात है इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू हार्ड वर्क आप चाह रहे हो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दे पाओ बट आई वुड लाइक टू से हम सब इंसान हैं एंड आप इफ़ेक्टिवली अगर आप सो भी नहीं रहो तो आप अपने ब्रेन को उतना रेस्ट ही नहीं दे रहे हो जो रेस्ट उसको चाहिए आ, अपने आप को या अपने पुरानी मेमरीज़ को स्टोर करने में एंड नई मेमरीज़ के लिए जगह देने में सो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप ऐसे एक स्लीप शेड्यूल रखो जिसमें आप कम से कम सात से आध घंटे सोते हो एंड आप एक बार लगातार में भी दो या तीन घंटे से ज़्यादा ना पढ़ रहे हो हर दो से तीन घंटे पे आप दस से पंद्रह मिनट या बीस मिनट का एक पैसा ब्रेक लो सो so दैट आपका ब्रेन थोड़ा रिफ्रेश हो जाए एंड आप नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप रेडी रहो ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपने एक घंटा बायो पढ़ा एंड आप काफ़ी बोर्ड हो चीज़ें रट के तो आप अपने दिमाग को ट्रेक कर सकते हो कि आप तुरंत दूसरा सब्जेक्ट या क्वेश्चन लगाने लग जाओ बिकॉज वी ऑल नो जब हम रट रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के दूसरे पार्ट स्टिम्युलेट हो रहे होते हैं एंड वेन वी आर सॉल्विंग फिजिक्स और मे बी सॉल्विंग अदर क्वेश्चन तो हमारे दिमाग के दूसरे पार्ट स्टिमुलेट होते हैं सो दिस वे यू कैन ट्रिक योर माइंड इन टू इफेक्टिवली टेकिंग अ ब्रेक बट आप एक्चुअल में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ही कर रहे हो गे। uh, इसके अलावा मैं एक बात करना चाहूँगा कि हम किस टाइप के ब्रेक्स लें कि हमें हम हमारा कम से कम टाइम वेस्ट हो एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेश माइंड और फ्रेश माइंड लेके हम वापस अपनी पढ़ाई में कूद सकें सो पर्सनली वट आई यूज टू डू इन माई प्रिपरेशन टाइम वॉज दैट कि मैं मेरे को एक बात पता थी कि मैं जब भी खाना खा रहा जो कि दिन में मैं दो या तीन बार खाता था सो आई पर्सनली न्यू कि मैं उस समय तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ूंगा आप मे बी पंद्रह या बीस मिनट एक बार में खाते हो गए सो वॉट आई डेड वॉज मैं अपने एक किसी भी फेवरेट टी वी शो का एक एपिसोड साथ में देख लेता था क्योंकि अब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ सो आई कैन यूज दैट टाइम टू एक्चुअली मल्टी टास्क माई रिफ्रेशमेंट मेरे ब्रेन को खाना भी मिल रहा है एंड साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है सो so, इस तरीके से मैं एक्चुअल में कोई पढ़ाई का टाइम नहीं वेस्ट किया एंड मैंने मल्टीटास्किंग के थ्रू अपने डे की एफिशिएंसी बढ़ा दी मैं मे बी बीस मिनट के तीन ब्रेक्स ऐसे लूँगा तो मेरे तीन ब्रेक्स मेरे खाने के साथ ही हो गए एंड ओवरऑल मेरा एक घंटा बच गया अपार्ट फ्रॉम दैट आई सजेस्ट कि आप ब्रेक्स ऐसे लो कि आपको पता है आप ब्रेक पे हो आप उस वक्त स्ट्रेस मत लो आप उस वक्त पढ़ाई का मत सोचो आप बीस मिनट पूरा रेस्ट में रहो पंद्रह या बीस मिनट आप उस वक्त जो आपका दिल करे वो करो आप गाने सुन सकते हो आप एक टीवी शो देख सकते हो आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है आपको दौड़ना पसंद है तो आप जो भी करना चाहते हो आप उस बीस मिनट के मिनी ब्रेक्स में कॉन्सनट्रेट करो इस तरह से आपका ब्रेन बाकी टाइम पर एफिशेंटली इंफॉर्मेशन ले सकता है इसके अलावा लास्ट में खासकर अभी जो लोग नीट दो महीने बाद जुलाई छब्बीस को देना चाह रहे हैं उनके लिए एक, एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा मेरे पास दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रिविज़न अगेन एंड अगेन एज ऑफ नाउ विच आई नो दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि आप बार बार बुक्स से वही चैप्टर पढ़ो आई वुड राधा सजेस्ट कि यू गो थ्रू अप्रोच ऑफ एग्जाम्स अगर आप एग्जाम्स देते हो एंड उसके बाद आप एग्जाम्स के अनालिस करके आप को एक टारगेटेड टॉपिक्स मिलते हैं कि आप उन टॉपिक्स पे वापस जाके रिविजन करो बुक्स पे सो इन दिस वे यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन एक्चुअली रीडिंग दोज टॉपिक्स क्योंकि आपका खुद वो लिस्ट कट के आधा या वन फोर्थ हो जाएगा एंड यू नो दैट विच टॉपिक्स आर वीक फॉर यू एंड विच आर स्ट्रांग ताकि आप स्ट्रॉग टॉपिक्स को छोड़ सकते हो एंड आप वीक सब्जेक्ट्स uh, पे ज़्यादा ध्यान सकते हो ओके सो दोज़ वर माई टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट आई होप कि आप सबको इससे कुछ सीख मिली होगी एंड आई होप अगर आपको ये पसंद आया सो प्लीज़ लाइक दिस नीट मंत्रा चैनल ने मुझे इन्वाइट किया एंड आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज एंड दे डू टू सो मेक श्योर इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम सो मेक श्योर आप उनके इंस्टा पेज को भी फॉलो करते हो द हैंडल इज नीट अंडरस्कोर मंत्रा Okay, With that I'll take leave from you guys. I hope I helped you and please use my tips and let me know in the comment section Aapko ye help ya okay One last thing that I would like to add is that I'm also an educator on an academy and in just one or two more days I'll start a series on physical chemistry. So if you want to learn that and if you want to join and check out my classes then make sure you uh, check out the link that is below and make sure you subscribe to my telegram channel. the link is down there and i have put the link to my instagram profile also so if you want to follow the life of a student at aims and personally me then go and follow me on instagram too okay thank you guys once again and i hope you like this video